हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्पिंग। आप सभी को मेरे इलेक्ट्रॉनिक स्पिंग चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक इमरजेंसी टॉर्च लाइट बनाएंगे जो कि हमारा सोलर से चार्ज हो और हमें काफ़ी सारा फीचर प्रोवाइड करता हो, जैसे कि चार्जिंग इंडिकेशन, ऑटोमेटिक ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, हाई लो लाइट मूड, सोलर चार्जिंग मूड एंड यूएसबी चार्जिंग से चार्जिंग करने के लिए ऑप्शन देता हो और काफ़ी अच्छा बैकअप टाइम और लाइट देता हो। तो इस वीडियो में हम इसको ही बनाने वाले हैं। आप देख पाएंगे इसका लाइट कितना अच्छा है और कितना अच्छा ब्राइट इस लाइट दे रहा है। अंधेरे में हम इससे अगर लाइट चली जाए तो हम इससे पढ़ाई भी कर सकते हैं और काफ़ी सारा सब कुछ कर सकते हैं। और इसका बैकअप टाइम, ये 3000 mAh का बैटरी है और 0.5 ampere इसका लोड रहता है, तो 6 hours इसका बैकअप टाइम है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे घर पे, इस वीडियो में हम वही देखेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं, देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें किन किन कॉम्पोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो एक PVC का प्लास्टिक का बॉक्स, इलेक्ट्रिक बॉक्स, जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉप में इजीली मिल जाएगा। 4 inch x 4 inch x 2 inch इसका हाइट विथ लेंथ है और mm में 100 x 100 x 50 mm इस साइज़ का एक बॉक्स लिया है हमने। इसके बाद एक बैटरी लिया है, लिथियम बैटरी, जो कि आपका 3.7 volt 3000 mAh का बैटरी है, लिथियम बैटरी, लिपो बैटरी। उसके बाद एक LED प्लेट लिया है जो कि आपका 1.5 वाट का LED प्लेट है, 3.7 volt में 3 volt में। इसके बाद एक TP4056 एक चार्जिंग मॉड्यूल लिया है जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल में है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कितने IC है, कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करना है, फुल डिटेल में वीडियो है। अगर इस वीडियो में मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पे भी दे दूँगा, जिससे कि आपको पूरे सर्किट का वायरिंग समझ में आ जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मेन ये सर्किट ही है। उसके बाद यहाँ पर DC पावर इन के लिए एक जैक और यहाँ पर एक स्विच, एक तरफ फुल ग्लो एक तरफ हाफ ग्लो, इसलिए ये सिंगल पोल डबल थ्रो SPDT स्विच का मैंने यूज़ किया है। ये आपका 250 वोल्ट 4 एम्पियर रेटिंग में है लेकिन हम इसको बैटरी पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दो इंडिकेशन LED का यूज़ किया है जो कि आपका इस मॉड्यूल के लाइट को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर ये मॉड्यूल रहेगा और बाहर से हमें इंडिकेशन देखना है तो इस लाइट को हम एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ कनेक्टिंग वायर्स, एक माइक्रो USB फीमेल सॉकेट जिसके मदद से हम बाहर से इसको लगा देंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे जिससे कि बाहर से हम चार्जिंग कर पाएंगे। और इसके बाद हम दो 1 watt 1 ohm का रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं जिसके मदद से हम इस LED को सप्लाई देंगे बैटरी से करंट को लिमिट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ PVC कैप, कुछ स्क्रूप्स, कुछ नट बोल्ट और कुछ पावर टूल हमारा काम करने के लिए। चलिए हम इसको फटाफट बना लेते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको कनेक्शन करना है। Thank you.
यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एलईडी का कनेक्शन है। तो इतना तक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 बोर्ड और यहाँ पे ये दो कनेक्टर एक ही है। यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पे चार्जिंग के जो माइनस और प्लस वीसीसी पे कनेक्ट है, और एलईडी जो है प्लस वाला कॉमन है, इसलिए दोनों एलईडी का प्लस कॉमन करके यहाँ पे कॉमन एक प्लस वायर शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दो एलईडी का अलग अलग वायर जाके कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी का प्लस के प्लस माइनस पे कनेक्ट है, और यहाँ पे आउट माइन प्लस से एक रेजिस्टेंस लेके स्विच पे दिया गया है। एक जब इधर करेंगे तो एक रेजिस्टेंस से होकर एलईडी का पावर जाएगा तो फुल जलेगा, और जब इधर करेंगे तो दूसरा एलईडी दो रेजिस्टेंस होकर के एलईडी को करंट जाएगा तो थोड़ा कम जलेगा, वोल्टेज कम पहुँचेगा। बीच में से एलईडी का प्लस का वायर कनेक्ट करना है, और यहाँ आउट माइनस से एलईडी का माइनस कनेक्ट करना है। चलिए मैं फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। लाइट कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश इसका लुक है, और इस तरफ लो और इस तरफ हाई लाइट आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पे चार्जिंग का फंक्शन भी काम कर रहा है। मैं आपको माइक्रो यूएसबी से चार्ज करके दिखाता हूँ कितना। यहाँ पे देखिए चार्ज पे लगाने पे यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है हमारा चार्जिंग, जब ये फुल हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट जलेगा, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको सोलर चार्जिंग भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सोलर पैनल है हमारे, इसके 3 वाट का सोलर पैनल है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सोलर पैनल को इस पोर्ट में लगा दिया, सोलर के पोर्ट में। तो सोलर के पोर्ट में लगाने से देखिए यहाँ पे भी ये चार्जिंग हो रहा है, तो ये सोलर से भी चार्ज होगा, साथ ही साथ आपका एसी ग्रिड से भी चार्ज होगा, या किसी भी पावर बैंक या 5 वोल्ट सप्लाई से डीसी से चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अंधेरे में मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एकदम अंधेरा है, इसको मैं अगर प्रेस कर देता हूँ कितना अच्छा लाइट है, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास लाइट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास लाइट दिख रहा है एकदम, ये तो आधा है, फुल पे और ज़्यादा होगा। तो ये धूप से कैसे चार्ज होता है उसको टेस्टिंग के लिए हम ऊपर आए हैं, तो अभी सोलर पैनल पर धूप पड़ रहा है, फुल धूप है एकदम। तो अभी हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये धूप से चार्ज हो रहा है कि नहीं। अभी देखिए हमारा रेड एलईडी नहीं जल रहा है, ठीक है। तो हम ये इसको लगा देते हैं, इसको लगा के देखते हैं कि ये धूप से चार्ज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए लगाने पर यहाँ पे हमारा रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा, अब देख सकते हैं रेड एलईडी ग्लो कर रहा है। इस तरीके से ये वायर इसका एक्सटेंड है, बहुत ही बड़ा वायर है, इसको हम खोल देंगे तो अभी ये घर के अंदर ही रहेगा, और बाहर से ये धूप से इसको चार्ज करता रहेगा। तो मैं अभी इसको धूप में रख देता हूँ, देखता हूँ 2-3 घंटे बाद ये फुल चार्ज होता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने धूप पे रख दिया है प्लेट और वायर को ले जाके, यहाँ पे टॉर्च लाइट जो है हमारा यहाँ पे चार्ज हो रहा है रूम के अंदर, तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं 2-3 घंटा चार्ज करके आपको बताता हूँ कि कैसा इतना टाइम लेता है चार्ज होने को।
अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन के मुताबिक सोलर पैनल 0.5 एम्पियर देता है और 3000 एमएएच की बैटरी है, 5-6 घंटे तो लगेगा। तो मैं इसको 2-3 घंटे चार्ज करके देखता हूँ क्योंकि बैटरी थोड़ा सा चार्ज था, फुल होता है कि नहीं देख सकते आप, रेड लाइट जल रहा है। बैटरी हमारा 2 घंटे बाद फुल चार्ज हो चुका है, यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट चल रहा है, इसको निकालने के बाद फिर से लगाएंगे, रेड लाइट जल रहा है, अभी फुल चार्ज होने के कुछ बाद ये ग्रीन लाइट चलेगा, ठीक है। तो ये फुल चार्ज हो गया है, 2-3 मिनट बाद फिर से ग्रीन हो जाएगा, ये फुल चार्ज हो गया है, यहाँ पे देखिए फुल चार्ज हो गया है ये, इसलिए ग्रीन जल रहा है, ये पे लाइट भी आप देख सकते हैं। तो ये फुल चार्ज हो गया है, तो अभी हम इसको खोल देते हैं। तो इस तरीके से आप फ्री एनर्जी का यूज़ करके एक इमरजेंसी टॉर्च लाइट से आप अपने घर को लाइट दे सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।